यूपी के मुरादाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक इमाम ने एक मुस्लिम परिवार के यहां जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो परिवार बीजेपी को वोट करता है। इस पूरे मामले में दिलनबाज की शिकायत पर इमाम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिलनबाज का कहना है कि 23 जुलाई को उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए वो इमाम राशिद के पास गया, लेकिन इमाम राशिद ने जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। इमाम ने आरोप लगाया कि दिलनबाज के पिता अलीदाद बीजेपी का समर्थन करते थे और बीजेपी को वोट करते थे, इसीलिए वो उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, पूर्व चेयरमैन असलम, उनके साथी शमीम खां, शराफत खां, मती खां ने उसे जान से मार